समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल और श्रद्धांजलि न्यूज चैनल से सुश्री नलिनी श्रीवास्तव संपादक। आज हम लोग दैनिक समाचार पत्र के तेंदुपत्ता व्यवसायी सुधीर माणिक जी और तेंदुपत्ता व्यवसायी विजय कोटेरिया जी के खिलाफ गंभीर अपराध लगाया है उन्होंने, और जिस पर हम आज विजय कोटेरिया जी से इस संबंध में चर्चा करने आए हैं। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं विजय कोटेरिया तेंदुपत्ता का व्यवसायी हूँ और मेरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि पिछले महीने की बात है, सुधीर माणिक अपने साथ कोई राजेश चौहानी को लेके आए थे और उन्होंने बोला यार ये मेरे को क्या कहते हैं 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मैं जानता हूँ मेरे छोटे भाई के मित्र के भाई हैं, तेरे को देना है तो तू पैसा दे सकता है इनको। वो बोले कि 15 दिन में वापस करूँगा बोले पैसा। बोले देख ले भाई तेरे को देना है तो मैं इनको ऐसे जानता हूँ। कोई बोले मेरे को गंभीर आर्थिक समस्या आ गई है करके उन्होंने उसे चौथवानी जी ने सुधीर माणिक से निवेदन किया और सुधीर माणिक ने जो है वो उनको फिर उनके कहने से बोले भाई मैं तो तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा, और वो सुधीर माणिक जो है बैंक में उनको लेके गए, उनके खाते में 20,000 रुपये उन्होंने डाला और उन्होंने कहा कि मैं लौटा दूंगा इस पैसे को करके। चौथवानी राजेश चौथवानी जो है उसने बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया और 15-20 दिन बीतने के बाद जब उन्होंने तगादा किया तो वो उसको क्या कहते हैं ब्लैकमेलिंग करने लग गए और कहा कि तुम्हारे उसके नियत में खोट आ गया और सुधीर माणिक को ब्लैक करने की नियत में उस पर लगाने लगा तेंदुपत्ता के दाम में तुम हेराफेरी करते हो, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मुझे 20,000 दिए हो। उसने ये कबूल किया राजेश चौथवानी ने और ये भी कहा कि मैं ये पैसा भ्रष्टाचार के खाते में जमा कर दूंगा। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने बयान दिया कि ये तो 20,000 मैंने इसको वापस कर दिया। उन्होंने जब खाते से पैसा लिया तो उस पैसे को खाते से ही वापस करना था। उसके बाद उन्होंने मेरे पास लेके आया था तो मैं बोला भैया देख ले तुम लोगों का लेन देन का मामला है, आप लोग अपना निपटा लो आपस में। तो मेरे को धमकी देने लगे कि तुम मेरे को जान से मारने की धमकी दिए हो, ऐसा करके मैं आपका खिलाफ का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, ये सारे बातें उसने उसके हमारे जो भाई का दोस्त है उसको बताया। तो उन्होंने उसको बोला देख भाई अपने संबंध है इस प्रकार का कृत्य मत कर करके, और मेरे व्यापारी को सामाजिक प्रतिष्ठा को उसने धूमल करने का प्रयास किया है, आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इनके ऊपर मानहानि का भी मैं दावा करूँगा। ये और राजू सोनी ये दोनों अपने पेपर में भास्कर ग्रुप कोई पेपर है उसमें इन्होंने मेरे खिलाफ अनलगन बयान दिया है जो कि गलत है। मैं अपना व्यापार करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपने पत्ते को कोई व्यापारी को बेचता भी हूँ पत्ता, उसको ट्रेडिंग करके वो बाहर भी बेचते होंगे। मैं इसके ऊपर मानहानि का न्यायालय में केस दायर करूँगा ताकि इनके पता चले कि किसी की छवि धूमिल करने का परिणाम क्या है। धन्यवाद। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल और श्रद्धांजलि न्यूज चैनल से संपादक सुश्री नलिनी श्रीवास्तव।